बाइकॉट चाइनीज एप्लीकेशन, बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, एक्चुअली बाइकॉट चाइना, ये चीज कोई नई चीज नहीं है बल्कि 10-15 साल पहले से चली आ रही है। और ये चीज फिर 2020 में क्यों चर्चाओं में आ रहा है, सबको लद्दाख के हालात तो पता ही होंगे। बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स ये वापस से शुरू हुआ सोनम वांगचुक के थ्रू। ये वही आदमी है जिनके ऊपर मूवी 3 इडियट्स बनी थी, जो कि रैंचो का कैरेक्टर इन्हीं के ऊपर बेस था। और लद्दाख के अभी हालात देखते हुए इन्होंने एक इनिशिएटिव उठाया, बाइकॉट चाइनीज सॉफ्टवेयर इन ए वीक और चाइनीज हार्डवेयर इन ए ईयर। पर क्या इससे हमारी सॉल्यूशन हो जाएगी? थंबनेल में तो खैर आपने यही देखा था, पर ये एक सच में क्लिक बेट था, क्योंकि इस वीडियो में मैं बाइकॉट चाइना के बारे में नहीं बात कर रहा, बल्कि एक उससे भी बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि हम सबको ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो विजुअली एडिट नहीं है, क्योंकि शायद मुझे वैसे क्लिप्स नहीं मिल पाते जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला। ये टॉपिक काफी सीरियस है और काफी जरूरी भी, सो प्लीज काफी ध्यान से सुनना इस टॉपिक को। मैं कुछ सिर्फ सवाल पूछने वाला हूँ और आपके जवाब जानना चाहता हूँ। आप क्या सोचते हो, अगर बात करते हैं बाइकॉट चाइनीज एप्लीकेशन की और बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट का, तो क्या एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है? जैसा कि सोनम उंगचुक ने कहा था, हम ऐसा करके कहीं ना कहीं चाइनीज इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकते हैं। और वेल, ये सही भी है। अगर मुझसे पूछा जाए मैं इसके सपोर्ट में हूँ या नहीं, तो मैं हूँ। पर मैं इसलिए हूँ क्योंकि चाइनीज एप्लीकेशन और चाइनीज प्रोडक्ट को अगर हम बाइकॉट करते हैं तो इससे चाइना की इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ेगा, जिससे लोग गुस्सा होकर चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और अगर आप चाइनीज लोगों या फिर किसी और कंट्री के लोगों से या किसी रिलीजन बेस पे किसी भी तरह से अगर आप एक के बेसिस पे आप पूरे एक कम्युनिटी से हेट करते हो, तो आपको शर्म आनी चाहिए खुद को इंसान बोलने में। इंसान और जानवर में सिर्फ यही फर्क है कि जानवर अपने इमोशन पे एक्शन लेता है, पर इंसान के पास सोचने और समझने का काबिलियत होता है। इंसान सोच और समझ के एक्शन ले सकता है, और आप एक इंसान से हेट कर रहे हो इंसान होने के बावजूद। आई एम जस्ट सेइंग कि क्या सिर्फ चाइनीज प्रोडक्ट को ही बाइकॉट करना चाहिए? मैं चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकॉट करने के साथ, क्योंकि इससे चाइना की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा, जिस वजह से चाइनीज लोग गुस्से में आके अपने गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होंगे। और मैं कुछ यही क्वेश्चन सबसे पूछ रहा हूँ कि क्या हम सब साथ मिलके इस दुनिया में जो भी डिक्टेटर्स हैं उन्हें नहीं हटा सकते? आई एम नॉट सेइंग डिक्टेटर्स, बल्कि जिस कंट्री में फ्रीडम नहीं है लोगों के पास, क्या हम सब साथ मिलके वैसे कंट्री पे दबाव नहीं दे सकते कि वैसे कंट्री का इकोनॉमी डाउन हो? मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि हर किसी को फ्रीडम मिले, चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करे या किसी भी रिलीजन से, सारे गवर्नमेंट्स एक साथ हो और हम अपने मेडिकल साइंस और साइंस को सपोर्ट करें, ना कि आर्म्स कंपनीज को। आप एक बात सोचो, हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं, पर सवाल ये है कि आखिर वो रक्षा किससे करते हैं? ठीक उस बॉर्डर के उस तरफ भी कोई ना कोई सोल्जर्स है जिसका अपना फैमिली है, वो भी अपने देश का रक्षा कर रहा है, पर हम रक्षा आखिर किससे कर रहे हैं? आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में बताना जरूर। मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या हम सब एक साथ नहीं मिल सकते? क्या हम सब मिलके हर कंट्री को फ्रीडम नहीं दिला सकते? क्या हम आर्म्स कंपनीज को बंद नहीं करा सकते? यही बस मैं पूछना चाह रहा हूँ। एज ए ह्यूमन मुझे इंसानों से प्यार है, और मेरा धर्म और जीने का हर एक चीज सिर्फ और सिर्फ इंसानियत है। मैं हर एक इंसान को बराबर मानता हूँ, और मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इंसानियत हमेशा के लिए जिंदा रहे और ये कुछ गिने चुने लोगों की वजह से ये खत्म ना हो। द थिंग इज कि अगर वर्ल्ड वार 3 हुआ तो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी पीछे चली जाएगी कि वापस रिकवर करना काफी मुश्किल होगा, और हमारे अर्थ के पास शायद इतना टाइम ना हो। खैर ये थोड़ा ज्यादा साइंटिफिक टर्म हो गया, बट आप इतना समझ लो कि अगर हम दोबारा पीछे गए किसी भी अपने गलतियों की वजह से, तो हम वापस रिकवर नहीं कर सकते। मैं तो बस चाहता हूँ कि अब हम वो गलती ना करें और आगे बढ़ते रहें। हर एक कंट्री के GDP के कुछ ना कुछ % आर्म्स कंपनीज में लगा रहता है, और लगे भी क्यों ना, हम सबको डर है कि कोई दूसरी कंट्री हम पे अटैक कर देगा अगर हमारी आर्मी फोर्सेस कम हुई तो। पर क्या हम इस सोच को नहीं बदल सकते? हम सब मिलके ऐसा समझौता नहीं कर सकते कि हम अब इस पे काम ना करें और उन सारे पैसों को साइंस के लिए खर्च करें और अपने मेडिकल साइंस को और बेहतर बनाएं?
मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि क्या हम सब एकजुट नहीं हो सकते, एक होकर नहीं रह सकते? एक भाई भाई से लड़ता है, एक परिवार दूसरे परिवार से लड़ता है, एक गांव दूसरे गांव से लड़ता है, एक शहर दूसरे शहर से, और इसी तरह एक देश दूसरे देश से लड़ता है। क्या हम इन सब को बंद नहीं कर सकते हैं? हम सब मानव हैं, और क्या हम मानवता पे विश्वास करके आगे नहीं बढ़ सकते? हमने अपनी हिस्ट्री में बहुत सारी गलतियां की, और अगर आज नहीं सुधरे और ऐसी ही गलतियां अब हम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम सब का विनाश हो जाएगा और हमारे पास कुछ करने को नहीं बचेगा। एज ए साइंस लवर, एज ए ह्यूमन, आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी। मैं ये चीजें नहीं देखना चाहूंगा और ना ही होते हुए देख सकता हूँ। एंड आई बिलीव कि मेरे जैसे कई सारे साइंस लवर्स हैं और जो मेरी इन बातों से एग्री करते हैं। तो अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम सबको सिर्फ खुद को बदलना है, किसी और को बदलने की कोशिश नहीं करना, बस खुद को बदलना है। चाहे आपके साथ कोई बुरा क्यों ना करे, पर अगर आप बदले की भावना नहीं लाते और उसकी उतनी बुराई के बावजूद अगर आप उसके लिए अच्छा करते हो, तो एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब वो खुद अपने कारनामों पर शर्मिंदा होगा। बस हमें यही करना है, बदले की भावनाओं को हटाना है और हर एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी, उसके बारे में बुरा नहीं सोचना है, सिर्फ ये एक छोटा सा काम करना है। मैं ये सवाल किससे पूछ रहा हूँ और ये बातें क्यों कर रहा हूँ पता नहीं, बस कहना चाहता था। मुझे लगता है कि मेरे जैसे और भी कई सारे साइंस लवर्स हैं और वो सब इन बातों से एग्री करते हैं। सो अब बहुत हुआ, अब हमें इन बातों को लोगों के सामने लाना, लोगों को बदलने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर ये हमने अब नहीं किया ना तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। सो आप सब जिस लेवल पे कर सकते हो, नॉलेज को फैलाओ, साइंस को सपोर्ट करो, क्योंकि आज शायद आप इसीलिए जिंदा हो इतनी बीमारी होने के बावजूद, क्योंकि कभी किसी ने उस बीमारी का इलाज ढूंढा था और आज आपके पास दवा है, आप खा के सही हो जाते। हमें इस पूरे ब्रह्मांड में और दूर तक जाना है और कई सारे सवालों के जवाब ढूंढने, पर ये पॉलिटिक्स बहुत बुरी है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे और इस धरती को बर्बाद होते देखते रहेंगे। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि ये धरती हमारी नहीं है, बल्कि यहाँ कई सारे जीव रहते हैं। बस फर्क इतना है कि हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। पर एक सवाल मेरे अंदर आज भी है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अगले ही दिन कोई एक ऐसा जीव आ जाए जो इंसानों से भी ज़्यादा बुद्धिमान हो जाए? खैर, अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो कोई चीज़ तभी सुधरता है जब एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, और सारे इंसानों में एकता तभी आएगी जब सारे इंसानों को एक साथ किसी चीज़ को झेलना पड़े। आई होप ऐसा ना हो और इंसान जल्दी सुधर जाए। एट द एंड मैं इंसानों से नफरत नहीं करता, मैं इंसान हूँ और मुझे इंसानों से प्यार है। मेरा धर्म, मेरा जीने का तरीका सिर्फ और सिर्फ इंसानियत है। वीडियो के एंड में मैं सिर्फ एक और सवाल पूछूंगा, जवाब ज़रूर कमेंट में बताना। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हर कंट्री को कोई पॉलिटिशियन या कोई पार्टी नहीं, बल्कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट का ग्रुप चला जो कि एक्चुअल में पूरी दुनिया को चलाने के लायक हैं, जो इस पृथ्वी का दर्द समझ सकते हैं और इंसानियत को और आगे लेके जा सकते हैं, एक सही लीडर बनके सही से हर देश को चला सकते हैं? मैंने जो भी सवाल पूछा, इन पे सोचना ज़रूर और सारे सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश ज़रूर करना, क्योंकि हमने आज अगर इंसानियत के लिए कुछ नहीं किया ना तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी आँखों के सामने पूरी इंसानियत बर्बाद हो जाएगी।